नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगिता। स्वागत करती हूं आपका हमारे चैनल बोल्ड स्काई में। कान में जब भी कोई संक्रमण होता है तो कान के पर्दे के पीछे पीप या म्यूकस को इकट्ठा कर देता है, जिस वजह से कान की नली अवरुद्ध हो जाती है और कान में सूजन आ जाती है। कान में सूजन होना वैसे तो एक आम समस्या है, अगर ये समस्या लंबे समय तक बढ़ जाए तो काफी परेशानी होती है। सर्दियों के मौसम में लोगों को अक्सर कान में दर्द या सूजन की समस्या हो जाती है, लेकिन कोई भी इसके कारणों या लक्षणों पर ध्यान नहीं देता। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कान में सूजन क्यों होती है और इसके क्या कारण है। चलिए पहले सबसे बात करते हैं कान में सूजन होने के लक्षणों के बारे में। कान में खिंचाव और खुजली होना, बहुत तेज कान में दर्द होना, कान में दबाव लगना, तरल पदार्थ का बहना, चिड़चिड़ाहट व बेचैनी महसूस करना, कान से बदबू आना, नींद की समस्या होना और कई बार कान में इतना दर्द बढ़ जाता है कि आपको बुखार का भी सामना करना पड़ जाता है, सिर दर्द होना, उल्टी आना, चक्कर आना और सुनाई कम देना। चलिए बात करते हैं कारणों की। कान में संक्रमण होने से बैक्टीरिया या वायरस उत्पन्न करते हैं, जो कि शरीर में नाक और मुंह के द्वारा प्रवेश करते हैं। श्वसन संक्रमण, विभिन्न एलर्जी और वायु में उपस्थित प्रदूषक जैसे कि सिगरेट के धुएं या प्रत्यक्ष सेवन आदि की वजह से भी कान में संक्रमण हो सकता है। अक्सर कई बार कान में खुजली होने पर लोग पेन या फिर ईयरबड या टूथपिक का इस्तेमाल कर अपने कान की खुजली मिटाते हैं, लेकिन ऐसा करना बेहद खतरनाक होता है। इससे कान में संक्रमण हो सकता है, इसके अलावा कान के पर्दे भी फट सकते हैं। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। और अगर आपको कान में दर्द या फिर खिंचाव की कोई भी समस्या है तो आपको अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। तो दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।